बहुत ही टेस्टी रेसिपी होती है और बहुत ही जल्दी और झटपट बन जाती है। इसमें बिल्कुल भी किसी की गैस की जरूरत नहीं है और ज्यादा समय की भी जरूरत नहीं है। तो देखिए दोस्तों, ये हमारे कितने सॉफ्ट बने हैं, इसको मैं कट करके दिखाती हूँ। बहुत ही टेस्टी बने हैं, देखिए। तो दोस्तों, एक बार रेसिपी अच्छी लगे तो बनाकर जरूर ट्राई करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए देखते हैं इसको किस तरह बनाना है। हेलो दोस्तों, आज हम बनाएंगे सॉफ्ट, बिल्कुल रूई जैसे मुलायम बड़ा रेसिपी। दोस्तों ये बिल्कुल इंस्टेंट है, इसमें गैस की जरूरत नहीं है ना कुछ तलने की जरूरत है। तो चलिए देखते हैं इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। ये मैंने आधा कप दूध लिया है और मैंने ये ब्रेड लिए हैं, 4-5 ब्रेड लिए हैं। इसको मैंने किनारियाँ इसको कट कर दी है। आप चाहें तो किनारियों समेत बना सकते हैं, लेकिन किनारी अच्छी नहीं लगती है, टेस्ट में भी अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए मैंने काट दी है। थोड़े से मैंने किशमिश लिए हैं और ये थोड़ी सी मैंने लिए चेरी, रेड वाली चेरी है और बहुत ही बच्चों को फेवरेट होती है। तो दोस्तों सबसे पहले हम दूध में थोड़ा सा 1 चम्मच हम चीनी डाल लेंगे। चीनी डालने के बाद इसमें घोल लेंगे। ये चीनी मैंने मैश कर ली है, पिसी हुई चीनी थी तो जल्दी घुल गई है। अब हम एक ब्रेड उठाएंगे और दूध में इस तरह से डिप करेंगे और हल्का सा हाथों से इस तरह से दबा लेंगे। बहुत ज्यादा नहीं निचोड़ना है, हल्का सा ही निचोड़ना है। अब हमने जो किशमिश लिया था तो हम किशमिश इसमें लगाएंगे और थोड़ी सी हम लगाएंगे इसमें चीरी। इसको बंद करेंगे और बंद करने के बाद इस तरह से इसको दबा दबा कर हम एक बड़े का आकार देंगे। ये देखिए एक बड़ा हमारा बनकर तैयार है और इसी तरह से मैं सारे बड़े बना लेती हूँ। देखिए सारे मैंने इस तरह से दही बड़े बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब हम इसको फाइनल टच देते हैं खाने के लिए। तो अब हम इस पे डालेंगे दही। दही आप अच्छे से स्मूथ कर लें, सभी पर अच्छे से हम दही डाल देते हैं। अब इसमें डालेंगे, ये मैंने सौंठ की चटनी ली है, इसको डाल देंगे। उसके बाद दोस्तों हम डालेंगे जरा सा 1 चुटकी नमक और 1 चुटकी लाल मिर्ची, बिल्कुल हल्की सी डालनी है। अगर आप बच्चों को दे रहे हैं तो इसको बिल्कुल भी ना डालें। अब थोड़ा सा ऊपर से हम डालेंगे काली मिर्ची का ये पाउडर है, तो हल्का हल्का सा हम इसको डाल देते हैं। अब दोस्तों हम इसमें डालेंगे ग्रीन चटनी और थोड़ा सा जो हमारी किशमिश बची हुई थी, चेरी बची हुई थी, इससे इसको डेकोरेट करते हैं। देखिए बाकी की बची हुई चेरी भी मैं इसी के ऊपर डाल देती हूँ और देखिए दोस्तों कितना टेस्टी बने हैं। तो देखिए दोस्तों इंस्टेंट ब्रेड के दही बल्ले हमारे बनकर तैयार हैं और दोस्तों ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में। बच्चे हों या बड़े हों, सभी को पसंद आते हैं। जब भी आपका मन करे तो झटपट से आप बनाकर खा सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे